बेगूसराय में 16 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। इस संबंध में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि जिले के सदर अस्पताल और एक निजी अस्पताल समेत 8 जगहों पर टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी, जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। रोजाना हर सेंटर पर हेल्थ वर्करों को प्रथम फेज में टीकाकरण किया जाएगा और बेगूसराय में 14,098 चिकित्सक और हेल्थ वर्कर को चिन्हित किया गया है, जिन्हें प्रथम फेज में टीका लगाया जाएगा। टीका लगाने के बाद आधे घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में लोगों को रखा जाएगा। उसके लिए हर सेंटर पर बेड लगाए गए हैं और डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि प्रत्येक लोगों को टीका के 2 डोज दिए जाएंगे। पहले डोज देने के बाद 28 दिनों के बाद उन्हें दूसरा डोज दिया जाएगा और 45 दिनों तक उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी टीका असरदायक होगा। इसके साथ भी डीएम ने कहा कि टीका को लेकर कोई भ्रम नहीं हो, इसके लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है। साथ ही जो लोग टीका को लेकर भ्रम और अफवाह फैलाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रथम फेज के बाद दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र दराज लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। 16 जनवरी से पूरे देश में कोविड टीकाकरण का पहला चरण प्रारंभ किया जा रहा है और बेगूसराय जिला में भी उस क्रम में 16 जनवरी से टीकाकरण का कार्य प्रारंभ होगा। पहले फेज के पहले पार्ट में हेल्थ वर्कर्स को उसमें चिन्हित किया गया है, जो अभी तक सभी सरकारी डॉक्टर्स और उनके स्टाफ, सभी प्राइवेट निजी डॉक्टर्स और उनके स्टाफ, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन उसमें कराया है उन सभी का भी रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ होगा। इसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया गया था, ज़्यादातर लोगों ने उसको रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन अभी आज तक उसका रजिस्ट्रेशन का समय है। अगर कोई निजी डॉक्टर्स या उनके स्टाफ नहीं करा पाए रजिस्ट्रेशन तो आज तक राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट पर जाके उसमें अपना कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 16 तारीख से जो प्रारंभ किया जा रहा है, बेगूसराय जिला में कुल 8 स्थल चिन्हित किए गए हैं, उसमें 7 PHC है, एक प्राइवेट लोकल हॉस्पिटल है जहाँ पे टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। हर साइट पे MOIC उसके नोडल हैं पूरा टीकाकरण कार्य का वहाँ पे, लेकिन 4 सदस्यीय टीकाकरण की टीम है। प्रत्येक दिन 100 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। हर साइट पे एक प्रतीक्षालय है, फिर टीकाकरण रूम है और एक ऑब्जर्वेशन रूम है जहां आधे घंटे तक सभी व्यक्तियों को ऑब्जर्वेशन रूम में उनको रखा जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर टीकाकरण के पश्चात कुछ न कुछ उसका माइल्ड सिम्टम्स कभी न कभी किसी किसी व्यक्ति को आ सकता है, जिसमें हल्का फुल्का बुखार है, सर दर्द है, थोड़ा बहुत चक्कर आना है। तो मैं सभी व्यक्तियों से, सभी बेगूसराय के निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि इस तरीके के टीकाकरण के पश्चात सिम्टम आना काफ़ी कॉमन बात है, जिसमें किसी तरीके घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों से अनुरोध है किसी भी तरीके कहीं अफवाह न फैलाएं कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो हम लोगों के पास रिपोर्ट है, अब तक वर्ल्ड में लगभग 2 करोड़ लोगों का इसमें वैक्सीनेशन भी किया जा चुका है, तो पूरी तरीके सुरक्षित है। आप लोग इसमें अफवाह में भागीदार ना बने किसी भी प्रकार के। कहीं भी कोई भी अफवाह करता हुआ व्यक्ति अगर मिलता है तुरंत प्रशासन को सूचना भी दें, ताकि हम लोग ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकें। और आश्वस्त करना चाहते हैं कि पैनिक करने की, कभी कोई भी सिम्टम आएगा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नॉर्मल है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब अभी टीकाकरण जो लोग प्राप्त करेंगे उसके पश्चात उसका दूसरा डोज भी दिया जाता है, फिर दूसरे डोज के भी 15 दिन बाद उसमें इम्यूनिटी आती है।